हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू आर डूइंग गुड एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश स्टडी। एंड फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोमिनेंट राइटर्स, मेजर वर्क्स, अबाउट मेजर इवेंट्स, ऑल द इन्स एंड आउट्स। ऑफकोर्स इट्स नॉट ईजी टू कवर ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर बिकॉज इट्स वेरी वास्ट, it's very deep, so we'll try our best to cover all important things that can be asked in our exams. So we will try to cover from the old English, that was the time of 410 to the postmodern age 1945 onward. So we'll try to cover all important ages, Middle English, Shakespeare age, Elizabethan age, and Jacobean age, about Romantic age, about Modern age, Victorian age, all the important ages, Middle English, all the important ages we are going to discuss in brief. Okay, so a lot to know about different ages. This video is going to be very useful, especially if you are a student of M English, students of the BS English, and also other candidates who are preparing themselves for the lectureship exam, and other literature loving people. This video is going to give you a lot to know. So if you are a student of M English, you must know that if you know the era of particular writer that you are studying, if you know about his biography, you can easily be able to write a very comprehensive answer in the exams. So it's very important to know all these things. My name is Atar Rehman, and if you want to give me any suggestion, I am also a student like you, so if you want to give me any suggestion, you can contact me here. This is my email and this is my contact number, and let's start our lecture. What are the things that we are going to discuss? We are going to discuss about the following topics. We are going to discuss about all important ages, as I told you, from Old English 410 to the postmodern era 1945 onward. We are also going to discuss brief points about the famous authors, famous writers, famous poets, famous critics. We are going to discuss about their major works. And number four, we are going to discuss about the prominent features of the different periods, that is the themes and the characteristics. कि किस पीरियड में कौन सा जो मेन पॉइंट है जिसको फोकस किया जाता था। जैसे अगर आप ओल्ड इंग्लिश की बात करें तो उस वक्त बैटल्स को फोकस किया जाता था, हीरोज को फोकस किया जाता था, किस पर लिटरेचर लिखा जाता था। इसके अलावा वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अदर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज एंड डेफिनेशंस जो मुख्तलिफ अदवार में, जैसे एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इंट्रोड्यूस हुई थी, या जिस तरह आगे चलकर जो है ना, ये चीज़ें हम आगे चलकर आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सो ऑब्वियसली दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग, सो इसको ज़्यादा लंबा ना करने की वजह से मैंने इस वीडियो को दो से तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो इन आवर टुडेज लेक्चर, इन आवर लेक्चर वन, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ओल्ड इंग्लिश एंड अबाउट द मिडल इंग्लिश। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट एजेस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस एज, इन दिस लेक्चर इनफैक्ट। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर विद द ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश जिसको एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहा जाता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द 410 एंड एंड्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इन 1066 until Norman conquest. Okay, so ये जो सारा पीरियड था 410 से लेकर 1066 तक का, इसको आप क्या कहते हैं जी, इसको आप ओल्ड इंग्लिश जो है ना पीरियड कहते हैं। इस एज के बारे में क्या है जी, इस एज में लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स वर रिटन। ओके, लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स वर रिटन, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर। ड्रामास वर आल्सो इन द फॉर्म ऑफ द पोएम्स, जो ड्रामे होते थे वो भी पोएट्री की शक्ल में जो है ना वो प्रेजेंट किए जाते थे। ओके, नॉवल का उस पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, क्रिटिक्स उस पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बस पोएम लिखी जाती थी और वो भी लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स होती थी। जो ड्रामास होते थे उसको भी पोएम की शक्ल में प्रेजेंट किया जाता था। If you talk about two important and long narrative poems of that age, so Beowulf or Widsith, ये दो important नाम आपने याद रख लेने हैं जो उस वक्त की दो important poems हैं, long narrative poems हैं, Beowulf और Widsith। किसने लिखी थी इसके बारे में कोई भी आपको exactly नहीं बता सकता, because everything was not written at that time. Beowulf is also called as the first English epic poem which was more than 10,000 lines, or in fact incorrectly agar aap speak karo to 3,182 lines par jo hai na Beowulf ki jo poem thi wo mushtamil thi।
ये पॉइंट आपने याद रख लेने हैं, विच इज कॉल्ड द फर्स्ट इंग्लिश एपिक पोएम. सो बियोवुल्फ इज कॉल्ड एज द फर्स्ट इंग्लिश एपिक पोएम. ओके, सो मेजर राइटर्स की अगर आप बात करें ओल्ड इंग्लिश पीरियड की, तो कैडमैन है, अल्फ्रेड द ग्रेट है और सेन वॉल्फ है, ये मेजर राइटर्स हैं. मेजर वर्क्स कौन से हैं जी, बेवुल्फ है, विडसिथ है. इसके अलावा एपिक पोइम्स लिखी जाती थी, हेरोइक पोइम्स लिखी जाती थी, क्रिस्टियनिटी एलिगरीज लिखी जाती थी, जिस पर जो है ना वो मोस्टली लिखा जाता था. और ये जो वर्क है ये एनोनिमस वर्क है, गुमनाम वर्क है. आप एग्जैक्टली कोई इवेंट, आप कोई काम किसी से रिलेट नहीं कर सकते कि ये वर्क इस राइटर का है, ये राइटर ने ये वर्क लिखा था, जस्ट बिकॉज कि हर चीज़ मौजूद, उसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है. ठीक है, लेकिन ओल्ड इंग्लिश से ज़्यादातर हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस कम ही आते हैं, क्योंकि ओल्ड इंग्लिश का जो एक लिटरेचर है, इट्स नॉट ईजी टू रीड. ओके, सो ओल्ड इंग्लिश से जो एग्जामिनर है वो कम ही जो है ना क्वेश्चन देता है. Otherwise, we have discussed its important things in this lecture so far. Old English poetry was written during a time when many battles and struggles over land, culture and religion. Okay, किस वक्त poetry लिखी जा रही थी, उस वक्त का जो दौर है वो मुकम्मल जो है ना conflicts का दौर है, struggles का दौर है. किस बात पर, lands पर, culture पर, religion पर. Themes include good versus evil, religion, bravery and mortality. Much of the old English poetry consists of the epic featuring battles and heroes, drawing on Christian and the pagan sources. Okay, as I told you, उस वक्त जो mostly revolve होता था, किसके गिर्द करता था वो, good versus evil के गिर्द, religion के गिर्द, heroes के गिर्द, किंग्स को प्रेजेंट किया जाता था, अच्छा अच्छाई उसकी बयान की जाती थी, और वो सारा पोएम की शक्ल में जो है ना वो बयान किया जाता था. This point we already discussed. Old English literature is not easy to read. So many reasons. क्या है इसकी reason? क्यों नहीं easy read किया जाता? उस वक्त की जो language है, आज की language से बेशुमार मुख्तलिफ है. Writers का जो एक setting है वो मुख्तलिफ है. उनका mindset totally मुख्तलिफ है. उस वक्त focus किस चीज़ पर किया जाता था? Focus उस वक्त जो रिटन वर्क है उस पर फोकस किया जाता था, राइटर पर फोकस किए नहीं जाता था. जो कुछ लिखा जा रहा उस पर फोकस किया जाता था. ओके, सो दिस इज फ्रॉम द ओल्ड इंग्लिश. लेट्स गो टू द मिडल इंग्लिश. ओके, मिडल इंग्लिश पीरियड इज फ्रॉम 1066 टू 1550, 1066 से लेकर 1550 तक का जो एक पीरियड है उसको आप मिडल इंग्लिश पीरियड कहते हैं. और इस पीरियड का एक प्रोमिनेंट जो नाम, अगर आप मिडल इंग्लिश का नाम लो तो उसमें एक प्रोमिनेंट नाम जॉफ्री चासर का आता है, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे. मैनी ऑफ द वर्क्स ऑफ लिटरेचर फ्रॉम द मिडल इंग्लिश पीरियड आर एनोनिमस. गुमनाम है जी, ज़्यादातर वर्क आप नहीं बता सकते कौन सा वर्क किसने लिखा था. खैर, जो प्रोमिनेंट ऑथर्स हैं, जो राइटर्स हैं, उसके नाम मैंने लिख दिए हैं. कैक्सटन विलियम, ही वॉज बोर्न इन 1422, डाइड इन 1491, अ मर्चेंट एंड लेटर राइटर हु सेट अप द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड इन 1476. ओके, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो उसने याद किया था वो भी इसमें था, 1476. बेकन रोजर, इंग्लिश फिलोसोफर एंड द साइंटिस्ट. बेकन इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर इन द 13th सेंचुरी फिलोसफीज. सो बेकन जो है ना, ये 1214 में पैदा होता है, 1294 में इसकी डेथ होती है. जॉफ्री चासर, चासर जॉफ्री 1340 ही वॉज बोर्न एंड डाइड इन 1400. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू मस्ट रिमेंबर दिस लाइफ स्पैन, आपने इसको याद रखना होगा. द मेजर पोएट ऑफ द इंग्लैंड द लेट मिडल एजेस एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट राइटर बिफोर शेक्सपियर. शेक्सपियर से पहले का अगर आप किसी को राइटर को कहते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी इसको कहा जाता है, वो जो है ना जॉफ्री चासर है. विलियम लैंगलैंड है जी हमारे पास नेक्स्ट. He was also a contemporary writer of the Geoffrey Chaucer, is presumed author of the work of the Middle English alternative verses, generally known as the Pious Plowman, a religious play, an allegory with a complex variety of religious themes. William Langland ka play, agar swan pucha jata hai to ye aapne mind mein rakh lena hai. Okay, next we are going to cover John Gower, a contemporary of the William Langland and the Pearl Poet, a personal friend of the Geoffrey Chaucer. He is remembered primarily for the three major works. ठीक है, इसके जो तीन major works हैं, जो French, Italian और English में जो लिखे गए थे respectively, which are united by the common moral and political themes. इसमें भी वही चीज़ें जो है ना बयान की गई हैं. Pearl Poet आया है जी हमारे पास, तो Pearl Poet क्या होता है जी,
Gavian poet, or the less commonly the Perl poet, late 14th century, is a name given to the author of Sir Gawain and the Green Knight, an alternative poem which is 14th century Middle English. Its author appears also to have written the poems Perl, Patience and Cleanness. Some scholars suggest that the author may also have composed the same Arkenwald. All these works are known from a single surviving manuscript, the British Library. This body of the work includes some of the most well-regarded poetry written in Middle English. English Perl poet. नेक्स्ट है जी हमारे पास कौन कौन से जो है ना सॉरी कौन कौन से मेजर वर्क्स कौन कौन से हैं हमारे पास मिडल इंग्लिश में. तो मिडल इंग्लिश में डेंटे एक जो है ना वो पोएट था, इटालियन पोएट था. द डिवाइन कॉमेडी इसने जो है ना वो लिखी थी, जिसको कंपोज किया गया था नियर द 14th सेंचुरी. एंड दैट इज डिवाइन कॉमेडी ट्रिलॉजी ऑफ द पोएम्स चार्टिंग द पोएट्स जर्नी फ्रॉम द हेल थ्रू द पर्गेटरी टू द हेवन पैराडाइज गाइडेड बाय हिज फेलो पोएट वर्जिल. इट्स इवन बीन कॉल्ड द फिफ्थ गॉस्पल. ओके, सेकंड जो हमारे पास आता है जॉफ्री चॉसर द कंटेम्पररी टेल जिसने लिखी थी. जॉन ड्रेडन सेड दैट चॉसर मैग्नम ओपस कंटेन्स गॉड्स प्लेंटी इंडीड ऑल ह्यूमन मेडिएवल लाइफ सीम्स टू बी हियर. ओके, सो कंटेम्पररी टेल में जो हमें करेक्टर प्रेजेंट किए गए हैं जॉफ्री चॉसर की तरफ से हमारे लिए जो 30 समथिंग करेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर में उस वक्त की जो हर एक प्रोफेशन के लोग हैं उसको उसने प्रेजेंट करके हमें पूरी उस मिडल इंग्लिश का एक हमारे सामने एक नक्शा जो है ना वो जॉफ्री चॉसर ने दे दिया है, जिसकी वजह से यू विल हैव टू अलॉट टू नो अबाउट द मिडल इंग्लिश लिटरेचर एंड अबाउट द मिडल इंग्लिश लाइफ आल्सो. थर्ड जो हमारे पास आ जाता है मार्जरी कैम्प, द बुक ऑफ मार्जरी कैम्प. फॉर ओवर हाफ अ मिलेनियम दिस बुक वॉज लॉस्ट, द मैनुस्क्रिप्ट वॉज ओनली रीडिस्कवर्ड इन 1934. कहते हैं कि तकरीबन 500 साल तक ये जो बुक है इसका कोई नाम अता पता नहीं था, लेकिन बाद में इसको रीडिस्कवर किया गया 1934 में. इट इज अ फैसिनेटिंग अकाउंट ऑफ अ वुमेन्स लाइफ इन मेडिएवल इंग्लैंड. इट्स इवन बीन कॉल्ड द फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी रिटन इन द लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज में जो ऑटोबायोग्राफी कह रहे हैं आप लिखी गई थी वो ये थी, इसको भी आपने राय मिला देने. करेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें, फीचर्स की बात करें, थीम्स की बात करें जो मिडल इंग्लिश पीरियड में लिखे गए थे, तो वो हैं जी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिडल इंग्लिश लिटरेचर इज इट्स इम्पर्सनैलिटी. मोस्ट ऑफ द लिटरेचर ऑफ द मिडल इंग्लिश वॉज एनोनिमस. वी डोंट नो द नेम्स ऑफ दोज हु रोट इट. हम उनके नाम को नहीं जानते किसने ये लिखा था. इट्स पार्शली दैट पीपल वर इंटरेस्टेड इन द पोएम देन इन द पोएट. लोग किस में इंटरेस्टेड थे जी, लोग पोएम्स में इंटरेस्टेड थे, पोएट्स में लोग इंटरेस्टेड नहीं थे. तो इम्पर्सनैलिटी जो है ना ये एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है मिडल इंग्लिश पीरियड का. इसके बारे में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. सेकंड है जी रिलीजन. रिलीजन ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस मिडल इंग्लिश लिटरेचर. मिडल इंग्लिश लिटरेचर में रिलीजन का बहुत बड़ा रोल है. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द सोशल लाइफ इन द मिडल एजेस. मेडिएवल एजेस या मिडल एजेस में जो रिलीजन है बहुत बड़ा किरदार अदा करता था सोशल. यही वो दौर था जिसमें चर्चेस का जो एक आप कह लें कि बिजनेस अपने उरूज पर था, जिसमें क्रिश्चियनिटी के जो दो बड़े सेक्ट्स जो है ना वो सामने आए. प्रोटेस्टेंट के नाम से जो एक प्रोटेस्ट करने वाले थे वो सामने आए. इट इज ऑफन सेड दैट मैन एंड वुमेन लुक्ड अपॉन रिलीजियस लाइफ एज मींस टू द नेक्स्ट लाइफ. दे वर कॉन्स्टेंटली इन फियर ऑफ हेल एंड इट्स टॉर्मेंट्स एंड वर vitally concerned with the problem of salvation for their souls. ठीक है, that is why religious writing formed the greater part of the Middle English literature. इधर से ही फिर आगे जो है ना वो Renaissance या Renaissance का जो दौर है वो फिर आता है Middle English के बाद. Another important characteristics of the Middle English literature is its oral quality. एक और जो characteristics है, feature है Middle English poetry का, मिडल इंग्लिश लिटरेचर का, वो क्या है जी, वो इसकी ओरल क्वालिटी है. रिटन वर्क उस वक्त ना होने के बराबर था. उसकी दो तीन रीजंस हो सकती हैं. ज़्यादातर लोग देखना पसंद करते थे, सुनना पसंद करते थे, पढ़ना पसंद नहीं करते थे. सेकेंडली उसकी वजह ये है कि उस वक्त प्रिंटिंग प्रेस जो है ना बाद में जो है ना वो 1476 में जाकर वो फिर ईजाद हुआ. मोस्ट ऑफ द मिडल इंग्लिश लिटरेचर वॉज मेंट टू बी लिसन टू रादर देन द रीड. वही बात, लोग लिसन करना पसंद करते थे, पढ़ना पसंद नहीं करते थे. एज देर वॉज नो प्रिंटिंग फैसिलिटी इन दोज डेज. प्रिंटिंग फैसिलिटी भी नहीं होने के बराबर थी. मोस्ट ऑफ द लिटरेचर वॉज मेमोराइज बाई द पीपल. लोग क्या करते थे, लोग उस लिटरेचर को मेमोराइज कर लेते
करते थे, याद करते थे उस लिटरेचर को. सो मिडिल इंग्लिश लिटरेचर की ये जो तीन इंपॉर्टेंट आप कह लें करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट नंबर पर हमारे पास आता है किस किस्म के प्ले लिखे जाते थे, वो हम डिस्कस मोस्टली कर चुके हैं कि मिडिल इंग्लिश लिटरेचर में किस किस्म के प्ले लिखे जाते थे. मिडिल इंग्लिश लिटरेचर में जो ज़्यादातर थे जी मोरालिटी प्लेज लिखे जाते थे, गुड वर्सेज एवल, वो बात जो ओल्ड इंग्लिश से रिलेटेड ही है. एवरी मैन फेमस मोरालिटी प्ले, एवरी मैन अगर आपने पढ़ा है तो बड़े ज़बरदस्त किस्म का मोरालिटी प्ले है. मिरेकल प्लेस जो है ना वो लिखे जाते हैं. मिरेकल प्लेस क्या होते थे जी, लोग क्या करते थे, स्टोरीज लिखे थे बाइबल से, जो क्रिश्चियनिटी की जो है ना वो होली बुक है, बाइबल से लिखते थे, बिशप्स पादरियों से स्टोरीज लेते थे, प्ले परफॉर्म इन द डिफरेंट प्लेसेस, फाइनली परफॉर्म इन द मेन चर्च. क्या होता था जी लोगों का, लोग उस प्ले को डिफरेंट किस्म के चर्चेस में जो है ना परफॉर्म करते थे, एक चर्च में परफॉर्म किया, फिर दूसरे चर्च में परफॉर्म किया, फिर उसका जो फाइनल एंड है, उस प्ले पूरे प्ले का जो एंड है वो आखिर पर एक मेन चर्च में जो है ना वो परफॉर्म किया जाता. तो उसकी एक वजह ये भी थी कि उस वक्त मुकम्मल जो लोगों की लाइफ थी वो चर्च से रिलेटेड थी, अगर कोई गुनाह भी हो जाता लोगों से तो वो चर्च में आकर फिर उसकी तलाफी करते. मीन्स के जो चर्चेस हैं या जो बिशप्स हैं जो पादरी हैं उनका जो बिजनेस था वो बहुत ज़्यादा उरूज पर था और उसको रिलेटेड ही वो ये सारा कर रहे थे. थर्ड नंबर के जो प्ले उस वक्त लिखे जाते थे या दिखाए जाते थे जो प्लेज उस वक्त, वो इंटरलूड्स थे जी. इंटरलूड्स क्या थे, रिच पीपल के लिए जो है ना ये प्ले बनाए जाते थे या दिखाए जाते थे, उनके घरों में जाकर या एक ख़ास किस्म की सेटिंग पर जो अमीर लोग होते थे उस वक्त का होता था. इसके मुताबिक जो मिडिल इंग्लिश में एक और बैरन एज के बारे में कहा जा सकता था. बैरन एज वो एज है जो कि शेक्सपियर की डेथ के बाद और विलियम सॉरी जो कि जॉफ्री चासर की डेथ के बाद और एलिजबेथन एज यानी विलियम शेक्सपियर के दरमियान का जो पीरियड है, जिस वक्त कोई प्रोमिनेंट राइटर या प्रोमिनेंट वर्क सामने नहीं आया उस वक्त का जो पीरियड है वो क्या कहलाता है जी, बैरन एज कहलाता है, बंजर एज जिसको कहते हैं. पीरियड फ्रॉम बिटवीन चासर एंड एलिजबेथन, एलिजबेथन एज जो है ना वो 1558 से 1603 तक है, इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो पीरियड बिटवीन चासर एंड शेक्सपियर इज कॉल्ड द बैरन एज. बैरन एज के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है. सो एज आई टोल्ड यू के ये जो लेक्चर है काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसमें हमने फिर इसको दो तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर दिस लेक्चर जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर. सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द रेनेसेंस पीरियड, अबाउट द जैकोबिन पीरियड, अबाउट डिफरेंट सब पीरियड ऑफ द रेनेसेंस एरा, अबाउट विक्टोरियन एज, अबाउट रोमांटिक एज, अबाउट मॉडर्न एज, अबाउट पोस्ट मॉडर्न एज, उसके इंपॉर्टेंट राइटर, इंपॉर्टेंट थीम्स, इंपॉर्टेंट वर्क के बारे में हम बात करेंगे. सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू, इफ़ यू वांट टू सपोर्ट टू मी प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स एज वेल. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ एंड अलाउ फॉर द नेक्स्ट वीडियो.